बिरयानी के साथ जो मोस्ट फेमस कॉम्बिनेशन जो लोग खाते हैं वो 4 के इक्वल है। अब चार दोस्त हैं, ठीक है, चार दोस्त मिलकर बिरयानी और हलीम मंगवा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, बिल हमें ही देना। अब इसको एक स्पेशल बनाने के लिए मैं कह रही हूँ कि भाई ये जो है बिरयानी जो है वो दो लोगों ने मंगाई, 200 रुपए की है, ठीक है, और हनीम की 400 रुपए की है, ठीक है, चार लोगों ने ऑर्डर करनी है तो हमें 4 प्लेट मैक्सिमम चाहिएंगी टोटल। मैं कह रही हूँ कि जो भाई बिरयानी है वो 2 लोगों ने ऑर्डर करनी है, 2 दोस्त हैं उन्होंने खानी है बिरयानी, और जो 2 दोस्त हैं उन्होंने खानी है हनीम। मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन ठीक लिखी है मैंने? जैसे मैंने बोला 2 लोगों ने बिरयानी खानी और 2 लोगों ने हलीम खानी है, तो उस हिसाब से एक्सप्रेशन ठीक है। तो उसका आउटपुट कोई गैस कर सकता है, इसका आउटपुट क्या आएगा? 1200 सबसे पहले चीज कौन सी सॉल्व हो रही है, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे या कौन सा ब्रैकेट? पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद एडिशन होगा, ऐसा ही है। हमारी मैथ कमजोर है, मैथ अच्छी होगी तो हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो रिजल्ट है इसके अंदर पहले तो ये मुझे रिजल्ट शो कर दे, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको इंक्रीमेंट करे, याद है इंक्रीमेंट्स पढ़े थे हमने, प्लस 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 रिजल्ट करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पढ़े हमने, पढ़े थे लेकिन भूल गए। नहीं नहीं याद है, याद है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? अब अगर मैं दोबारा से रिजल्ट को अगर प्रिंट करवाऊँ तो इसका आंसर क्या आएगा? बारह सौ एक तो 1201 आ गया आउटपुट हमारे पास, बिल्कुल। अब कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, इससे ज्यादा और क्या एग्जांपल दूं? एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए, मीन्स किसी भी नेम से बनाए, ठीक है, उसमें आप पहले लिखें एक ब्रैकेट बना, नहीं पहले आप लिखे एक नंबर कोई भी, देन उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद कोई भी दूसरा नंबर लिख दीजिए, उसके बाद आप फिर प्लस करें और उसके बाद आप एक ब्रैकेट बनाएं और उसमें कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस डिवाइड करवा दें, बल्कि आप माइनस करवा दें तो आपने कितना आएगा? 4 फिर से, ठीक है, इसका दो आएगा, इसका जो है कितना आएगा? एक आएगा। यहाँ पे जो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होगी? ब्रैकेट 1 आएगा 1 और 2 3 रिजल्ट 3 आएगा 1 और 2 प्लस 3। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले चीज क्या सॉल्व होगी? ब्रैकेट्स देन उसके बाद माइनस होगा, माइनस प्लस
ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद वो किसके साथ मतलब सम होगा? दोनों फोर के साथ। टू आपने अपने बोर्ड पर स्कूल पढ़ा है? बिल्कुल सेम एग्जैक्टली हमारे पास जो है कोडिंग में भी यही होता है कि सबसे पहले आपके पास पांच होगा, पांच दो माइनस होंगे तीन बचेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके तो वही तीन आ रहे हैं, तो तीन क्या ब्रैकेट ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी वो होगी सम किसके साथ? फोर के साथ। एंड देन वो किसके साथ फिर हो जाएगी सबट्रैक्ट, फिर माइनस माइनस हो जाएगी टू के साथ, तीन माइनस थ्री क्यों आएगा? माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री आएगा, छह। अब इसको आप मिस प्रिंट कर पाके दिखाएं। हम तो कह रहे हैं भाई माइनस थ्री आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों एक्सप्रेशन में हमारे पास बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होता है जैसा हम मैथ्स में कर रहे होते हैं। ठीक है, कि जब भी हमारे पास इस तरीके की एक्सप्रेशन आएंगी तो सबसे पहले हमारे पास क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है सॉल्व? डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अभी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? सिक्स माइनस फाइव, भले से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन वो किस में? हमारे पास ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट के सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसके साथ सम हो जाएगी? फोर के साथ। एंड देन वो उसके बाद क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी टू के साथ। ठीक है, अब इस सेकेंड वेरिएबल में मिस ने क्या किया है? एक ब्रैकेट बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें टू और फाइव क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, देन इसमें फिर ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, और डिवाइड वो किससे हो रहा है? टू से। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होगी? कौन सा ब्रैकेट? फोर माइनस सेवन, देन उसके बाद डिवाइड, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा अगर हम इसका आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं? हाँ, आउटपुट क्या हो सकता है इसका? चार में से माइनस सेवन में से माइनस। ठीक है, तो उसमें से कितने बचेंगे? तीन बचेंगे, तीन बचेंगे, उसके बाद क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, टू प्लस नहीं भाई, सब्ट्रैक्शन होगा फाइव के साथ तीन का, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, छः छः, फिर दो के साथ माइनस फाइव पॉइंट फाइव। ठीक है, तो हम इस तरीके से ऑपरेटर्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। अच्छा, अब हम इसी एक्सप्रेशन में हम मजीद और एक्सप्रेशन ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप एक काम करें कि एक और ब्रैकेट बनाएं और उनके दरमियान आप जो है इसको जो है एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट करें। हमें तो पता भी नहीं क्या होगा, हमारी मेरा आंसर है क्या होगा इसका आउटपुट? पहले क्या सॉल्व होगा? पहले आप कौन सी ब्रैकेट? पहले वो डिवाइड होगा, डिवाइड वाला वन, पहले ब्रैकेट डिवाइड फर्स्ट वाला। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? माइनस फिफ्टी एट,
माइनस 50 52.5। अच्छा लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या ये हमें रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ऑपरेटर्स को मिला के हम इसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर एक एक्सप्रेशन करते हैं और फिर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। कंबाइनिंग ऑपरेटर सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? ब्रैकेट्स हम हमेशा पहले क्या यूज करते हैं? ये नंबर वन लाइन की बात कर रही है। सही कह रही है भाई, हमने 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 माइनस थ्री बोला तो हमारी फेवर कर। आप क्या कह रही हैं कि आंसर क्या आएगा? आंसर तो आ गया माइनस वन। नहीं, सबसे पहले क्या होता है कि ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है देन उसके बाद वो क्या सॉल्व करता है? डिवीजन। ठीक है, ये मैथ्स के ही गेम है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जब हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रही है तो सिक्स में से माइनस फाइव हो रहा है तो पॉजिटिव वन बचा। वो पॉजिटिव वन जो है वो जब माइनस फोर के साथ प्लस होगा तो बेसिकली प्लस होगा नहीं बल्कि वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है तो फिर माइनस का जो थ्री बचेगा वो दोबारा से माइनस प्लस के टू के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का बना जाएगा। तो ये हमने प्लस प्लस क्यों दिए? ठीक है, सही। तो आगे बढ़ते तालियां। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि हम अच्छा पहले क्या कर रहे थे कि हम दो वेरिएबल्स को कंबाइन करके या तो एडिशन कर रहे थे। ठीक है, या हम देख रहे थे कि हम जब स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाते हैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं? प्लस। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हम किसी को कोई टास्क असाइन करते हैं। जैसे कि हम अपनी फैमिली में किसी को असाइन करते हैं कि आपने क्या करना है, डिशेस को क्या करना है, या अपने बहन भाई से किसी एक को बोलते हैं कि आपका काम ये है कि आपने इसको डिशेस को क्या करना है, वॉश करना है। ठीक है, हम असाइन कर लें। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी हमारे पास ये होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं कि आपने ये काम करना होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? हमारे पास होते हैं प्लस, इक्वल्स, माइनस इक्वल्स, ठीक है, और लेस देन इक्वल। ठीक है, और हमारे पास इक्वल 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 मतलब ट्रिपल इक्वल्स टू इक्वल्स टू और एक्सक्लेमेशन मार्क क्योंकि नॉट इक्वल्स टू हो जाता है।
फिर इक्वल्स टू डबल नॉट मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल्स टू के साथ, तो मतलब डेटा टाइप भी वहाँ पर चेक हो जाती है, वेरिएबल्स भी चेक हो जाते हैं कि उनका डेटा कॉन्टेंट क्या है, किसके अंदर क्या वैल्यू है, अगर वो वैल्यू सेम होती है तो वो प्रिंट कर देता है, जो हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे अभी, ठीक है। और इसमें हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन भी कर रहे होते हैं। तो अभी इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप क्या करो कि वेरिएबल सी को कह रहे हैं फाइंड कर दे कि आप इसको 5 क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इसमें इसके बाद जो इसका प्रिंट आएगा तो क्या आएगा 15, मींस वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास अभी 10 है, आप क्या करो प्लस इक्वल्स टू 5, मींस कि आप इसके अंदर अपने 5 ऐड कर लो, ठीक है। तो वो उसको असाइन करें कि आप इसके अंदर 5 ऐड कर लो। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, एक तरीके का एक शॉर्ट हैंड तरीका है कि हम जैसे कि प्लस वगैरह कर रहे होते हैं कि हम अलग अलग वेरिएबल्स में नंबर्स को दे के फिर हम एक साथ क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक शॉर्ट हैंड तरीका है कि हमने एक वेरिएबल दे दिया और उसके बाद हमने उसको एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ उसको एक और वैल्यू असाइन कर दी और देन उसके बाद उसने वो अपने पास एक और वैल्यू क्या कर दी, ऐड कर दी। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास जो है ए के अंदर 10 दिया हुआ था सी के अंदर, और फिर उसके बाद आगे कहा कि सी में आप क्या कर दो प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो गई थी 15, ठीक है। अब इस एग्जांपल में मिस दुआ इसको एक्सप्लेन करेंगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास और किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले मैंने लिखा है कि इक्वल्स टू 10, अभी जैसे मैंने कहा कि अगर हमें उसमें ऐड करना है तो हम प्लस इक्वल टू लिख कर और वो जितने नंबर्स हमें ऐड करने हैं वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये ना करें तो उसके लिए हमें, अगर ये वाली चीज ना होती तो हमें कैसे करना पड़ता, हमें एक और वेरिएबल असाइन करना पड़ता, फिर उसमें जाकर हम वो नंबर ऐड करवाते तो जाकर हमारे पास वो ऑपरेशन परफॉर्म होता। तो ये एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा लेता। इसकी इस चीज से बचने के लिए हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने एक वेरिएबल असाइन किया सबसे पहले, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। जैसे कि हमने एक बंदे को एक टास्क असाइन किया, दूसरा टास्क भी उसी से करवाना है, तो मैं वापस जाकर उसको असाइन करूंगी ना कि भाई आप इसके बाद ये वाला काम भी कर लीजिएगा। आम जिंदगी में तो ऐसे ही करते हैं ना, अब कोई बाहर गया वह काम करने गए तो मैं उसी को वही वाला दूसरा टास्क उसी को दूंगी अगर वो बाहर गए। ऐसे तो नहीं है कि वो पहले घर पर आ जाए फिर मैं उसको बोलूँ कि आप जाओ वापस जाओ और वापस से ये वाला काम भी बाहर से जाके कर कर आओ, तो उसी वक्त ये काम हो जाए। इसीलिए हम प्लस इक्वल टू वाला इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट दोनों का सेम आएगा, बस फर्क इतना है कि लिखने का तरीका अलग है दोनों का, सही। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। हम एक कोड को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन एकदम इक्वल है, ठीक है। अभी एक माइनस एग्जांपल दे देती हूँ मैं, बी प्लस ही रहे में ऐड हो रहा है 4 और ए में जो है मैं माइनस कर रही हूँ, और अगर यहाँ पे भी माइनस कर लूँ तो भी सेम आंसर आएगा। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी काम करता है। लेट से दो दोस्त हैं, उनकी हाइट का कंपैरिजन हो रहा है, एक कह रहा है कि मेरी हाइट बड़ी है, दूसरा कह रहा है मेरी हाइट बड़ी है। ये पता कैसे चलेगा असाइनमेंट ऑपरेटर से? जो फर्स्ट दोस्त है उसकी हाइट है फॉर एग्जाम्पल 5.5, ठीक है। जो सेकेंड दोस्त है उसकी हाइट है 5, ठीक है।
चाचा हम दोनों के लिए चाचा ये किधर की भी ठीक है। एक तरीका ये हो गया इसको लिखने का, मैं कह रही हूँ जो ए की हाइट है वो बड़ी है या इक्वल टू है वो बी की हाइट के, ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का है ठीक है, और ये इक्वल अगर वो 5.5 भी है अगर बी की हाइट तो भी वो आंसर ट्रू ही देगा। अच्छा अभी हमने नंबर्स के साथ देखा कि हम कैसे जो है प्लस इक्वल्स टू को हम नंबर्स के साथ असाइन कर रहे थे, अब अगर हम इसको स्ट्रिंग के साथ करते हैं तो क्या होगा ठीक है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं ठीक है, पहले हम अच्छा इसको आप मिस दो एक वेरिएबल बनाए मैसेज के नेम से या नेम के नेम से, मैसेज के नेम से बना लीजिए ठीक है। जैसे हम पहले कॉन्कैटिनेट कर रहे थे कि हम दो वेरिएबल्स में स्ट्रिंग पास करते हैं और नेम को क्या कर देते हैं कॉन्कैटिनेट कर रहे थे प्लस के साथ ठीक है, हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने लर्निंग असाइनमेंट ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स सही, उसके बाद दोबारा से आइए और मैसेज वाला ऑपरेटर को दोबारा से वेरिएबल को लिखिए, फिर इसके बाद प्लस इक्वल्स टू एंड देन उसके बाद आप इसको एक और कोई स्ट्रिंग में मैसेज दे दें ये काम की चीज है लेकिन इनको समझाना सही है। अच्छा अब इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, लर्निंग उसके बाद किधर गया वो लर्निंग वाला सम असाइनमेंट वाई उसके बाद जो लास्ट वाला प्लस तो करवाए एट क्या रिजल्ट शो करेगा ये आईसी ऐड हो जाएगा ओके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा हां वही वही लेट्स सी कॉन्कैटिनेट ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया इसको इसने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो हम इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं नेम्स को और स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब इसको हम करते हैं अपनी सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू के सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर के साथ कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम के साथ ठीक है, और इसमें हम नेम लिखते हैं। मिस आप यहाँ पर आके एक और वेरिएबल बनाइए जी, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर को इसके साथ स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करेगा जी, तो ये इसको क्योंकि हमारे पास पहले क्या हमने इसको स्ट्रिंग दिया हुआ तो इसने हमारे साथ नंबर को क्या कर दिया, क्योंकि हम जब स्ट्रिंग को कौन प्लस वगैरह कर रहे हैं जो मैसेज की जो डेटा टाइप है वो पहले से स्ट्रिंग है ठीक है, तो वो जो नंबर जो बाद में है वैल्यू उसके साथ जो ऐड हो रही है या सबट्रैक्ट हो रही है उसको भी वही वाली डेटा टाइप का जुड़ा करेगा जो उसको पहले असाइन हो चुकी है ठीक है, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग के साथ प्लस का साइन यूज कर रहे होते हैं तो उसको क्या कर रहा होता है कॉन्कैटिनेट कर रहा होता है, तो इसीलिए इसने हमारे साथ नंबर को भी क्या कर दिया स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट। अब यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाए नेम का और उसमें आप क्या करते हैं नेम लिखते हैं फुल नेम, फुल नेम के नाम से आप एक वेरिएबल बनाते हो उसमें कोई भी नेम लिख दीजिए सही है, इसमें यहाँ कोई दो नेम लिख दीजिए फुल नेम लेट एफ नेम मिस्टर अयाज ओह विद इकरा मिस इकरा ठीक है। अच्छा उसके बाद दोबारा आइए और दोबारा से एफ नेम वाले वेरिएबल को लिखिए भाई ने ताक लगाई रात में करो। हाँ फिर आप लगाएं सबट्रैक्शन का ऑपरेटर
आज तो नहीं करना, आज नहीं, कुछ दिन बाद। और उसके बाद आके यहाँ पे आप लिख दीजिए इमरान स्प्रिंग में, जैसे वहाँ लिखा इमरान खान। एफ नेम में एरर आ रहा है, टाइपिंग एरर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ठीक है, हाँ ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, तो माइनस की स्ट्रिंग के साथ नहीं होता, तो इस वजह से क्या कर रहा है? एरर दे रहा है। तो हम जो है स्ट्रिंग के साथ माइनस को नहीं लगाते, ठीक है? तो हम इस तरीके से स्ट्रिंग्स वगैरह को मिला के अपने ऑपरेटर्स बना कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक ऑपरेटर्स में आप लोग को असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर है? क्लियर है सबको? बुला के पूछ लें, ठीक है? कोई आना चाहेगा? कोई भी नहीं। यस यस, तो सभी कह रहे हैं। आज कसम आया, ये चाचा, ये भाई, ये डॉलर्स में भी कमाना शुरू हो गया। बड़े भाई की टी शर्ट पहन कर आया, तालियां। ये हीरो बंदा है, ये मुझे लगता है इन्होंने बहुत सीरियस लिया इस चीज को। भाई अच्छा कर रहा है, नहीं मतलब बहुत ज्यादा सीरियस लिया, हमारी तरह नहीं है। वालेकुम सलाम। अच्छा अभी हमने जो है बात की है ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स हमने कितने तरीके के देख लिए हैं। चलो एक और तरीका देख लेते हैं, इक्वल टू। फिर यहाँ थोड़ा जमीन का शुमार। अच्छा ए इक्वल टू फाइव, ये जो है एक वेरिएबल है ए हमारे पास, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देगा 5, ठीक है? सही। अगर यहाँ पे हम प्लस लगा लेते हैं तो फिर क्या होगा, पहले से हमारे पास, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल ए डिफाइन है, लेट ए इक्वल एस इक्वल टू एस प्लस इक्वल टू एस इक्वल टू 5 था। वेरिएबल है, वो वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल, कॉन्सेप्ट यहाँ से लगा हो गया था। ए था, ए प्लस इक्वल टू मिसिना नहीं है ना, ये भी पुश हो गया। मिसिना आ गया ना, ये जम के बताता है। नहीं हुआ अब ठीक है। अच्छा एस हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 स्टोर हो गया है। एस प्लस इक्वल टू 6 जो है क्या करेगा, वो इस चीज की रिप्लेसमेंट है कि ऐड करेगा भाई, इक्वल टू 6 प्लस 5। ये वाली जो हमारी लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन है, ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे, तो इसी का रिप्लेसमेंट जो है प्लस इक्वल टू है। एक ऑपरेटर हमने इक्वल पढ़ा जी, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। एस प्लस जो एस इक्वल टू 6 प्लस 5 इन्होंने लिखा है, अगर हमें पहले ही इनिशियलाइजेशन के वक्त ही अगर हमें मतलब एडिशन करवाना है अगर दूसरी वैल्यू का, तो हम फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर तभी यूज करेंगे ना जब आपने पहले इनिशियलाइजेशन करवा दी, अब आपको बाद में उसमें इंक्रीमेंट करवाना है उतने नंबर्स का, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, ठीक है?
तो अगर ये वाली जो लाइन है ये इन्होंने ठीक लिखी है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो दूसरा आएगा और सिक्स की जगह पे एस आ जाएगा, रिजल्ट सेम आएगा लेकिन मतलब अलग अलग कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, हम भी हो रहे हैं।